इस वक्त तो बड़ी खबर दवानास आ रही है, जहां बस स्टेशन स्थित रेडियम आर्ट की दुकान पर आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। ज्यादा अपडेट के साथ में टीना मित्तल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हैं। टीना जी, बड़ी घटना। जी जैद, मैं बता दूं, ये पूरा मामला दवाना का है जो बड़वानी रोड पर है। दवाना पट्टी पर एक रेडियम आर्ट की दुकान है जो कि अभी कुछ 11 महीने पहले ही खुली थी। इसमें करीब 2 से 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक कुछ देर पहले ही यहां से दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौटे थे, और उसी बीच कहीं शॉर्ट सर्किट या किसी अज्ञात कारण से ये आग लग चुकी है, और आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। जहां ठिकरी फायर फाइटर को सूचना दी गई, मौके पर फायर फाइटर के पहुंचने के पहले ही दुकान जलकर पूर्ण रूप से खाक हो चुकी थी। ग्रामीणों ने भी काफी प्रयास किया इस पे आग पे काबू पाने का, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। जैसे ही बिजली उपकरणों में आग अपना प्रकोप दिखाती चली गई और फॉल्ट बढ़ते चले गए, इसके चलते यहाँ पर आग बड़ा रूप ले चुकी थी और पूर्ण रूप से ये जो है दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। ग्रामीणों ने जैसे ही सूचना फायर फाइटर को दी, मौके पर ग्रामीणों ने भी अपने आसपास के नल कनेक्शनों से यहाँ पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की काफी भीड़ लग गई मौके पर और दुकान जलकर पूर्ण रूप से खाक हो चुकी है। डिना जी, कितने नुकसान का आकलन अब तक लग पाया है? करीब दुकान मालिक का कहना है कि करीब करीब 2 से 3 लाख का यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है। इसमें काफी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी थे और अन्य सामग्री भी यहाँ पर मौजूद थी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा टीना मित्तल ने हमें बताया कि लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है, 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान है। वहीं दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ है।